हेलो एंड वेलकम फिल्मी 24/7 द रियल फिल्मी वर्ल्ड। आज हम बॉलीवुड की न्यू हॉरर और कॉमेडी मूवी का रिव्यू करने चाहते हैं, तो चलते हैं मूवी की तरफ, जो कि मूवी है भूल भुलैया 3। जी, तो ये कहानी एक महल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें कुछ परफॉर्मेंस नज़र आती है, डांस करते हुए एक करेक्टर नज़र आता है, बट ये नहीं दिखाया जाता कि वो मेल है या फीमेल है। ऑफ कोर्स हमें देखने में तो फीमेल ही लगेगा, बट वहाँ पर आ जाकर उसको जो भी डांस कर रहा होता है या कर रही होती है उसको आकर चला देता है। और वहीं पर इसमें हॉरर करेक्टर का फेस रिवील किया जाता है, जो कि आकर अपना रिवेंज लेती है। और फिर कहानी शिफ्ट होती है 200 साल के बाद, जहाँ पर कार्तिक आर्यन का एक करेक्टर दिखाया जाता है, जो कि भूल भुलैया 2 में भी वैसा ही करेक्टर है, एक पाखंडी का जो कि झूठ के और फरेब के भूतों से बातें करता है, आत्माओं से बातें करता है। और वहीं पर इसी के रहते वहाँ पर वो इस अपने करेक्टर से मिलता है, जो कि उसको एक महल में लेकर जाते हैं, जो कि वो कहते हैं उन्हीं का ही एक पुश्तैनी महल है, जहाँ पर कुछ आत्माएं हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है। और वहाँ पर कार्तिक आर्यन और बाकी कैरेक्टर्स की कॉमेडी और बहुत ही एक मज़े के कैरेक्टर और कॉमेडी के सीन्स दिखाए जाते हैं। और ये तो आपको मूवी देखने में ही पता चलेगा, ये कैरेक्टर और इनकी कॉमेडी काफ़ी फनी है और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा कम ही है। और वहीं पर हमें मंजुलिका का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर डिफरेंट आवाज़ें आती हैं और वहाँ पर कोई भी जाते हुए डरता है। पर जो मंजुलिका का एक और रूम होता है वो के सीक्रेट टनल में जाकर होता है, जो कि किसी को भी नहीं पता होता। वहीं पर कार्तिक आर्यन को सब वहीं के राजकुमार का पुनर्जन्म कहकर उनको काफ़ी ज़्यादा बताते हैं कि आपके आने से ही ये मंजुलिका का जो सारा चक्कर है ये ख़त्म हो सकता है। वहीं पर इनके साथ महल में हॉरर सीन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रावने भी सीन होते हैं। वहाँ पर हमें विद्या बालन और माधुरी के भी सीन्स दिखाए जाते हैं, और वहाँ पर कृति और उसके कार्तिक आर्यन और उनकी जो लव स्टोरी है वो भी स्टार्ट होती है। बट जो महल में उनके साथ अजीबोगरीब से वाक़यात होते हैं उसको लेकर वो काफ़ी परेशान होते हैं। वहाँ पर विद्या और जो माधुरी का भी करेक्टर है बहुत ही इसमें अच्छा करेक्टर दिखाया गया, और इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी दिखाई गई है, जिसमें आपको बताया जाता है कि सबको यही जो है शक जाता है कि माधुरी या विद्या में से ही कोई मंजुलिका है, जो कि इन सब के साथ रिवेंज लेने के लिए आई है। और जो माधुरी की भी एंट्री है उसमें उनकी जो दिखाई गई है डांस परफॉर्मेंस, ये वाला जो सॉन्ग है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें इनकी डांस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और इसके बाद कार्तिक और माधुरी और विद्या और तृप्ति, इन सब का आपस में जो कनेक्शन होता है, इसमें काफ़ी हॉरर सीन दिखाए जाते हैं, जो कि हमें मूवी देखने पर ही पता चलेगा। और इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, जो कि हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। हमें फिर देखने को मिलता है कि ये जो हवेली है वो महल है वो सेल आउट के लिए लगाया होता है, क्योंकि वो यहाँ से सब जाना चाहते हैं, और जो भी इसको ख़रीदने आता है वो मंजुलिका उनको मार देती है। और इसमें हमें विद्या माधुरी के साथ साथ तृप्ति का भी एक हॉरर सीन दिखाया गया है, जिसमें हमें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर में मंजुलिका कौन है, बट जो क्लाइमैक्स है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो ही सारा मूवी का निचोड़ है, पर जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे कम ही ये मूवी अभी तक बिजनेस कर पाई है। इसमें बट जो एक्टिंग है और करेक्टर हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके साथ साथ ही जब वो वहाँ से जाने लगते हैं, वहाँ से कोई जा नहीं सकता क्योंकि सब घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हैं, और फिर सीन आता है बिल्कुल क्लाइमैक्स का, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में मंजुलिका जो यहाँ पर सबको मार रही है, डरा रही है, वो असल में कोई फीमेल नहीं है। वो वहाँ पर उन्हीं का जो मंजुलिका और अंजुलिका दो बहनें होती हैं, उनका भाई होता है जो कि ट्रांस होता है, जो कि वहाँ का राजा जो होता है अपने बेटे की इस करेक्टर को देखकर, या वो बिल्कुल एक मर्द नहीं है, वो देखकर काफ़ी दुखी होता है, जिसको वो जिंदा जला देता है।
और फिर वही भूत बनकर वापस आता है, और जिसमें हमें दिखाया जाता है जो लास्ट में क्लाइमैक्स है उसमें असल में रियल भूत दिखाया जाता है, वो होता है कार्तिक आर्य, जिसको जिंदा जलाया जाता है और वही आकर सबको मारता है और पुनर्जन्म होता है माधुरी और विद्या बालन का। और इसमें हमें जो कैरेक्टर दिखाया जाता है भूत का, कार्तिक आर्या का, उनकी एक परफॉर्मेंस भी दिखाई जाती है, और इसके साथ साथ ही कार्तिक आर्या का एक बिल्कुल ही ट्रांस कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसमें वो बिल्कुल फीमेल या लड़की लग रहे होते हैं। और जो ये वाला सीन है ये भी बहुत प्यारा होता है जिनका ट्रांस परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। इसमें कार्तिक आर्या बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत लग रहे होते हैं और आप बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते कि ये लड़का है ये लड़की। तो यहीं पर लास्ट में कुछ फैमिली मोमेंट होते हैं जिसकी वजह से जो कार्तिक आर्या का भूत है वो वहाँ से मुक्ति पाकर बिल्कुल सब खुश होकर वहाँ से चला जाता है, और फिर वो सब वहाँ पर महल में बिल्कुल जैसा रहना चाहते थे वैसे रहते हैं। और फिर मूवी का होता है द एंड। मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।